वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भैया आज के इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइक्स की बात करूंगा, और पहली जो बाइक है वो अभी नई लॉन्च हुई इंडिया में, और जो कि है रॉयल इनफील्ड की नई हंटर 350। तो इस बाइक के बारे में पूरी बात करेंगे अच्छे से डिटेल में, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम CB350 जो होंडा की है, RS और हाइनेस। मेरे पास अभी हाइनेस है, बट इसका जो एक्चुअली कंपेरेबल मॉडल है होंडा का वो है RS। तो मेरे को उसके स्पेक्स पता है, तो मैं आपको वो भी बताता जाऊँगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हाइनेस और RS में। तो सारी बातें करेंगे, एक एक चीज़, कौन सी बाइक देखने में ज़्यादा अच्छी है, इंजन परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा अच्छा है, चलाने में कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और साथ ही साथ किस टाइप के राइडर को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो मैं जो है बाकी पेपर जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बात नहीं करूँगा, कितना सीसी कितना वो बताता जाऊँगा। मेन जो है एक्चुअल डिफरेंस क्या है, जो प्रैक्टिकल डिफरेंसेज हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपको बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो यार रॉयल इनफील्ड की जो हंटर 350 है, इसका लुक बहुत ही यूनिक है। मतलब रॉयल इनफील्ड ने स्पेशली सिटी पर्पज से और खासकर यंगर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ना ये बाइक बनाई है। बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट जिसको बोलते हैं बाइक है, और साथ ही साथ जो कलर टोन है, कलर टोन काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें ना होंडा को, मतलब बाकी होंडा का नहीं, बाकी सारी कंपनीज को भी रॉयल इनफील्ड्स मतलब ये चीज़ देखनी चाहिए, इनके जो कलर चॉइसेस, जो कलर टोन्स है ना, बहुत ही अच्छे रहते हैं, और बहुत सारी वैरायटी रहती है, आपको बहुत सारे कलर्स बहुत सारे ट्रिम्स मिल जाते हैं। तो ये सारी ना बाकी बाइक्स में भी होनी चाहिए। एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें ना तीन मॉडल आते हैं, एक है रेट्रो, एक है मेट्रो, और उसके बाद है मेट्रो रिबल। तो ये जो है टॉप एंड मॉडल है मेट्रो रिबल, इसके नीचे जो है वो आता है मेट्रो, और सबसे जो लोअर ट्रिम है वो है रेट्रो। कुछ डिफरेंसेस हैं रेट्रो मेट्रो और मेट्रो रिबेल में, वो आपको बता देता हूँ। रेट्रो और मेट्रो में जो डिफरेंसेस हैं, रेट्रो में आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं, मेट्रो में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और रेट्रो में आपका ये जो ग्रैब रेल है ये थोड़ा सा बेसिक टाइप का है, इसमें थोड़ा सा डिजाइनर है। साथ ही साथ रेट्रो में जो ये स्विचेज हैं ये भी थोड़े अलग हैं, मेट्रो में ये सब अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। तो ये कुछ फीचर डिफरेंसेस हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बाइक के बारे में बताता हूँ, वो है इसका प्राइस। रॉयल इनफील्ड जिस प्राइस पॉइंट पे इस बाइक को दे रहा है, मतलब होंडा की जो CB350 RS है और रॉयल इनफील्ड की जो हंटर 350 है, इसमें क्लियर कट 30,000 से 40,000 रुपये का डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा सस्ती है ये, तो इसलिए ये बाइक और अट्रैक्टिव हो जाती है। तो फर्दर लुक्स में चलते हैं। तो यार मेरे को तो ये लुक, मतलब इसके लुक्स जो है काफ़ी पसंद आए। अब एक बात ये भी है कि जब कोई बाइक नई आ जाती है तो पुरानी बाइक थोड़ी कम अच्छी लगने लगती है। हालांकि CB350 RS और हाइनेस के लुक्स भी मतलब कम नहीं है, बट दिस इज़ गुड। मेरे को अच्छी लगी ये बाइक, जो मतलब जिस पर्पज़ से बनाई है सिटी पर्पज़ से, इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। इसका वेट है अराउंड 181 kg, और CB350 RS का जो वेट है, मैं बात दिखा हाइनेस रहा हूँ बट मैं फीचर्स आपको RS के बताऊँगा, उसका वेट है 179 kg। तो केवल और केवल 2 kg का डिफरेंस है कब वेट में, और ये रॉयल इनफील्ड की सबसे हल्की बाइक है। तो मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों के वेट में कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टाइलिंग की। तो क्रोम लवर्स जो हैं उनको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रोम इस बाइक में बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट्स की अगर बात करें तो आप देखोगे पीछे का जो ये प्लास्टिक है, और जो साइड पैनल्स हैं ये भी प्लास्टिक है, उसके साथ ही साथ जो फ्रंट मडगार्ड है वो भी प्लास्टिक है। ये स्पेशली रॉयल इनफील्ड ने वेट को कट करने के लिए किया है, क्योंकि सिटी में आपको वेट जितना कम होगा चलाने में उतनी आसानी होगी ट्रैफिक में, और मतलब माइलेज भी उतना अच्छा आएगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। कलर टोन की अगर बात करें तो टैंक के कलर, बाइक के कलर के अलावा बाकी जो कलर्स हैं वो मोस्टली ब्लैक दिए हैं, पूरा मतलब ब्लैक ही है। इंजन भी प्योर जेट ब्लैक जिसको बोलते हैं, मैट ब्लैक एक्चुअली। अलॉयज भी ब्लैक हैं, और अलॉयज का जो शेप है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं RS हाइनेस की बात करूँ तो ये थोड़ा सा इस तरीके का है, और इसमें जो है थोड़ा सा इस तरीके का है। अब अगर इसके कंसोल की बात की जाए तो कंसोल भी यार इसका मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सिंपल नीट एंड क्लीन कंसोल है, आपको ये स्पीडोमीटर मिलता है, नीचे आपको ये फ्यूल इंडिकेटर है, अभी मतलब इसमें टैंक जो है फुल है, पूरा फ्यूल है। एक वॉच है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है कि इसमें सेकंड गियर लगा हुआ है। ट्रिप मीटर दो हैं, ट्रिप मीटर ए ट्रिप मीटर बी, और साथ ही साथ ओडोमीटर है अगर आप देख सकते हो ये। और इसमें टैकोमीटर नहीं है, RPM ये नहीं बताता, क्योंकि लो RPM बाइक्स होती हैं तो इनमें नहीं है। साथ ही साथ ABS में एज ए स्टैंडर्ड है, जो कि स्विचेबल नहीं है आई बिलीव। काफ़ी वाइड मतलब मेरे को दिख रहा है, देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े बड़े नंबर्स हैं तो आपको आसानी से दिख जाएगा। इसमें एक और एडिशनल एक्सेसरी आती है जो कि है ट्रिपर नेविगेशन, वो आपको अलग से लगवानी पड़ती है, वो किसी भी ट्रिम में साथ में नहीं आती।
इस बाइक में कुछ चीज़ें जो एडिशनल लगी हुई मैं आपको बताता हूँ। ये जो वाइज़र आप देख रहे हो फ्रंट, ये अलग से एज ए एक्सेसरी लगा हुआ है। साथ ही साथ जो ये बैस प्लेट आप देख रहे हो, इंजन प्रोटेक्शन कवर इंजन प्लेट, ये भी अलग से एज एक्सेसरी आई और काफ़ी सही लगी मेरे को, मतलब काफ़ी बड़े साइज़ की है। और ये जो इंजन गार्ड है ये भी अलग से, तो ये सारे बाइक के साथ नहीं आते हैं, बाइक से अलग से लेने पड़ते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, काफ़ी कॉम्पैक्ट बाइक है, व्हील बेस इसका काफ़ी कम किया है। और अब जो है सीट हाइट की अगर बात करें तो इसकी जो सीट है वो अराउंड 790 mm हाइट है और इसकी 800 mm है, तो सेम ही है, उतना डिफरेंस नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस में हाइनेस और RS थोड़ा सा आगे है, इसका जो है 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और इसमें जो है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यहाँ जो है हालांकि सिटी पर्पज़ के हिसाब से ऐसा मतलब ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप अगर आराम से चला रहे हो जब तक बड़े पॉट होल में ना जाए कहीं, तो वो चीज़ है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो आरी हंटर का जो फ्यूल टैंक है वो है 13 लीटर कैपेसिटी का, और जो हाइनेस और CV350 RS का जो टैंक है वो है 15 लीटर कैपेसिटी का, तो 2 लीटर ज़्यादा पेट्रोल इसमें आ जाता है। हालांकि सिटी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं, बट अगर आप हाईवे पर राइड कर रहे हो तो 2 लीटर में आपको अराउंड 60 किलोमीटर की ज़्यादा रेंज मिलेगी CV350 RS में कंपेयर टू हंटर। हेडलाइट की बात करें तो रॉयल इनफील्ड अभी भी जो है हेलोजन लैंप देता है और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि हेलोजन का जो थ्रो है वो कंपेयर टू LED जो RS और हाइनेस में दिए उससे काफ़ी अच्छा होगा मैं कह सकता हूँ। तो ये अच्छा चीज़ है कि इन्होंने हेलोजन लाइट दी है, और RS में LED है तो इट्स नॉट दैट इफेक्टिव क्लियरली। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स भी इसमें नॉन LED है, बट अगर आप LED इंडिकेटर्स चाहते हो तो एज एक्सेसरी आप उनको ऐड कर सकते हो। हाइनेस और RS में बाई डिफ़ॉल्ट LED इंडिकेटर्स आते हैं, इसमें जो है नॉर्मल बल्ब इंडिकेटर्स आते हैं। पीछे से अगर बात करें तो लुक्स यार इसके भी काफ़ी मतलब स्पोर्टी हैं जिसको बोलते हैं, अच्छी दिखती है। CV350 RS और हाइनेस में ऑल LED सेटअप मिलता है टेल लैंप्स का भी, और इसमें जो है सिर्फ ब्रेक लाइट LED है और जो दोनों बाकी जो दोनों इंडिकेटर्स हैं वो कन्वेंशनल लाइट है। हॉर्न की अगर बात करें तो मेरे को इसमें एक सिंगल हॉर्न दिख रहा है, मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसमें एक सिंगल हॉर्न है, वहीं हाइनेस में जो है इसमें दो मॉडल जो हैं, जो प्रो मॉडल है उसमें डुअल हॉर्न है। तो हाइनेस के हॉर्न की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है कंपेयर टू हंटर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एक USB सॉकेट भी दिया है, सो दैट आपको अगर चार्ज करना है कुछ भी तो आप अपनी मोबाइल या कोई भी कैमरा वगैरह चार्ज कर सकते हो, ये एक अच्छा फीचर है। हाइनेस के DLX प्रो मॉडल में ये आता है, हालांकि CV350 RS में ये अलग से नहीं आता, मतलब बाइक के साथ नहीं आता, आपको अलग से लगवाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो तो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो, बट रॉयल इनफील्ड में वो लग के आया तो इट्स अ गुड थिंग। सस्पेंशन की बात करें तो 41 mm ट्रैवल है इसके सस्पेंशन का, जो फ्रंट फोक्स हैं और जो रियर है वो डबल साइड स्प्रिंग सस्पेंशन ही है। ब्रेक्स की अगर बात करें तो हाइनेस और RS में आते हैं निसिन के कैलिपर्स। रॉयल इनफील्ड हमेशा देता है बैबरे, जैसे ये एक टच है आप देखो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह के टचअप्स मतलब होंडा लोगों को भी देने चाहिए यार, मतलब बढ़िया लगते हैं। दोनों ही बाइक्स 5 गियर सेटअप के साथ आती हैं और दोनों में ही RS में और हंटर में सिंगल साइड पर शिफ्टर है, मतलब एक ही साइड गियर लीवर है, आपको इसी से ऊपर नीचे करना है। हाइनेस में डबल साइड पर शिफ्टर मिलता है जो कि RS में नहीं आता है। सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो इसकी सीट मेरे को ठीक ठीक लग रही है, मतलब सॉफ्ट है कंपेयर टू हाइनेस से, नहीं मतलब बराबरी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुशन थोड़ी चौड़ी लग रही है देखने में, तो मतलब जब चला के बैठेंगे तो पता चल जाएगा। अब आपको इसको स्टार्ट करके इंजन की आवाज़ सुनाते हैं कि जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कैसा है। काफ़ी अच्छा साउंड है, मतलब रॉयल इनफील्ड का जो थंप है ना वो इंजन से ही आता है, मतलब इंजन में भी अगर आप फील करोगे तो इसमें अच्छा थंप है। एग्जॉस्ट की आवाज़ काफ़ी अलग है कंपेयर टू मीटियोर और जो क्लासिक 350 है, वाओ इट्स गुड, अच्छी आवाज़ है। और हाइनेस की आवाज़ तो आपने सुनी है, वो भी आपको सुना देते हैं। RS में भी सेम आवाज़ है, आप देखोगे जो थंप है वो इंजन से ना आके एग्जॉस्ट से आता है, हालांकि ये थोड़ा ज्यादा लाउड है। तो यार ये तो हो गया दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन कि दोनों बाइक्स में क्या क्या फीचर्स आते हैं, किसमें क्या चीज़ अच्छा है। देखने में RS और जो CV350 RS और हाइनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती हैं, हंटर थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन इसका पर्पज़ ही यही, क्योंकि बाइक स्पेशली सिटी के लिए बनाई गई है तो कॉम्पैक्ट होना अच्छी बात है। और हल्की है तो मेरे को लगता है इंजन परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा 181 kg वेट के साथ। तो अब इस बाइक को चलाते हैं और आपको रियल डिफरेंस बताते हैं कि कितनी अलग है ये होंडा की CV350 हाइनेस और RS से। तो फर्स्ट
थिंक फर्स्ट इम्प्रेशन, सीट जो है बाइक थोड़ी सी नीचे फील हो रही है, मतलब मैं पैर लगा रहा हूँ तो मेरा आराम से पैर जा रहा है इस पर, और साथ ही साथ सीट कंफर्ट ठीक है, अच्छा है, जैसे आईनेस और आरएस में वैसे ही है, और इंजन थम काफ़ी अच्छी फील हो रही है। अब चला के देखते हैं। ओके, पहला इम्प्रेशन, बाइक का जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है, और मैं क्लियरली समझ पा रहा हूँ वो इसलिए कि बाइक का जो वेट है वो कम है, इसलिए बाइक का पिकअप अच्छा है, और अच्छा मीन्स अच्छा है यार। ओह, और इसके ब्रेक, पिछले ब्रेक तो काफ़ी अच्छे हैं यार, अगले लगा के देखूँ ब्रेक भी अच्छे हैं, मतलब पिछले ब्रेक मेरे को हाइनेस से ज़्यादा अच्छे लगे। इनफैक्ट जब मैंने नई हाइनेस ली थी तब भी पिछले ब्रेक इतने अच्छे नहीं थे जितने इसके हैं, और अगले ब्रेक भी अच्छे हैं। बाइट अच्छा है और पिकअप तो यार काफ़ी अच्छा है। रॉयल इनफील्ड में एक चीज़ और भी है कि इसका जो लो एंड टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब आप स्पीड कम कर दो उसके बावजूद आपको उतनी दिक्कत होगी नहीं। मिरर्स थोड़े से वाइब्रेट हो रहे हैं इसके, थंब काफ़ी अच्छा है यार। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यार कुछ कुछ हाइनेस जैसा ही है, मतलब हाइनेस का भी थोड़ा स्टिफ है आरएस का, और इसका भी कुछ कुछ वैसे ही है, बाकी यार स्पीड और पिकअप इसमें अच्छा है। इंजन में इसमें भी बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं है, एज गुड एज हाइनेस एंड CV350 आरएस, और ब्रेकिंग तो यार कमाल है, बहुत ही बढ़िया यार। पिछले ब्रेक्स की बाइट तो बहुत ही अच्छी है, जैसे ये देखो लो इन टॉर्क इसका अच्छा, क्लच जो है इसका थोड़ा सा भारी है कंपेयर टू, मतलब हाइनेस और क्लास CV350 RS का क्लच तो नेक्स्ट लेवल है, उसके तो कोई कंपेरिजन ही नहीं। हालांकि RS और हाइनेस अगर आप 70-80 km/h पे चला रहे हो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू दिस बाइक। एट्टी पे यार ये बहुत ही कंफर्टेबल चल रही है, मतलब जिसको बोलते हैं अल्ट्रा कंफर्टेबल। मिरर्स जो है रियर व्यू मिरर्स यार उनसे वैसा ही दिखता है जैसा हाइनेस से दिखता है, मतलब कुछ खास नहीं है। अब इसकी जो टॉप स्पीड है वो आई थिंक 110-120 ही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी क्योंकि सेम हाइनेस जैसी ही होगी। बट यार ये जो जे सीरीज इंजन है इस बाइक में सबसे खासियत ये है कि जे सीरीज इंजन अच्छा है, थोड़ा सा पावर टॉर्क है हाइनेस से कम है, मतलब इसमें 20 PS का पावर है, उसमें 21 PS का पावर है, लेकिन बेस्ट थिंग ये कि रॉयल इनफील्ड ने इसका वेट कम किया है तो परफॉर्मेंस इसका जो है अच्छा हो गया है मैन, और एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है। रॉयल इनफील्ड के जो इंजन होते हैं ना बेसी होते हैं थोड़े, बढ़िया बाइक है, मतलब 90 तक बिल्कुल कंफर्टेबल चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही अच्छा। इसके जो तो सस्पेंशन है वो थोड़े स्टिफर साइड ही है, मतलब उतने लाइट नहीं है, ये तो मैं बोलूँगा। सर बाइक चला के मैंने देख ली हंटर, एंड अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और होंडा की जो CV350 RS है उससे कितना अलग है। तो यार फ्रैंकली स्पीकिंग सरप्राइज़ किया इस बाइक ने, मतलब पहली बार आ रही कि कोई ऐसी बाइक है जो जिस पर्पज़ से बनाई गई उसको बिल्कुल फुलफ़िल कर रही है। वेट कम किया है तो बाइक का जो परफॉर्मेंस और जो पिकअप है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, मतलब स्विफ्ट एक्सेलरेशन है द मोमेंट यू, मतलब जब थ्रॉटल को आप जैसे ही रोटेट करते हो बहुत ही अच्छा पिकअप देती है। लो इन टॉक तो हमेशा से अच्छा था रॉयल इनफील्ड की बाइक्स का, तो बढ़िया यार, मतलब मेरे को कहीं से भी ये नहीं लगा कि इस बाइक में परफॉर्मेंस में कोई कमी है, मतलब पैक्ड परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, एंड रियली मतलब डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है। वाइब्रेशंस तो इस इंजन में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। जब मैंने क्लासिक और मीटियोर चलाई थी तो देवर गुड, बट ड्यू टू एक्सेसिव वेट उतना पंची परफॉर्मेंस नहीं था जैसा आरएस में था, क्योंकि आरएस में थोड़ा सा पावर और टॉर्क ज़्यादा है तो अच्छा परफॉर्म करती हैं, और हाईवे पे खासकर क्रूजिंग स्पीड्स पे टॉल गियर रेशियो की वजह से बहुत स्मूथ चलते हैं। अब यार बात करते हैं कि किस टाइप के राइडर को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, ये या आरएस। तो देखो यार एक चीज़ तो है कि हर किसी का अपना टेस्ट अपनी प्रेफरेंस होती है, तो एग्जैक्टली मेरे लिए बताना मुश्किल है, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर देता हूँ। जैसे कि
अगर आपको कॉम्पैक्ट सिटी पर्पज़ से बाइक चाहिए, जो आपको ज़्यादातर शहर में चलाना है, सिटी ट्रैफिक में, जिसकी मैनोवरेबिलिटी अच्छी हो, आसानी से फ्लिकर हो जाए, आसानी से मूव हो जाए, तो आप डेफिनेटली रॉयल इनफील्ड की हंटर ले सकते हैं। आरी के साथ एक एडवांटेज और भी है कि आपको आफ्टर सेल सर्विस का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड है। मतलब उससे अगर होंडा का बिग विंग का नेटवर्क कंपेयर करें तो यार कुछ भी नहीं है उसके आगे। हालांकि होंडा भी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, बट स्टिल आरी से तो भी बहुत पीछे है। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आप तो खासकर सिटी की जो राइडर्स हैं, जिनको सिटी में बाइक ज़्यादा चलानी है और जिनको लगता है कि उनको हाईवे कभी ही जाना है और वो चीज़ है, तो वो डेफिनेटली इस बाइक को देख सकते हैं। बाकी दोनों बाइकें हैं यार, एक ही चीज़ की आप चला के देखो, आपको जो ज़्यादा अच्छी लगे यही फाइनल होता है। वो बाइकर्स जिनको वीकेंड पे राइड्स हाईवे पे लगानी है और साथ ही साथ सिटी में भी चलाना है, वो आरएस भी देख सकते हैं। हाईनेस तो भी इसके कंपैरिजन में नहीं है क्योंकि इसका पर्पज़ ही अलग है, तो वो लोग CB350 RS भी देख सकते हैं। बाकी एज आई ऑलवेज से कि जब आप बाइक चलाओगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट है। ऐसे तो हम कुछ भी बोलते हैं लेकिन मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल ऐसे बोला कि मतलब मेरी एडवाइस यही कि आप दोनों बाइक चला के देखो। तो आरी की जो हंटर है वो कहीं से भी आपको निराश नहीं करेगी, अच्छी बाइक है, अच्छा परफॉर्मेंस है। तो यार ये कुछ कंपैरिजन था मेरा इन दोनों बाइक्स का, आरी की हंटर और CB350 RS का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है यार। आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको बाइक राइड्स की वीडियो देखने के पसंद है, जैसे मैंने लद्दाख राइड लगाई, स्पीति राइड लगाई अपनी इस बाइक पे और दूसरी बाइक पे, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।